छोटा बच्चा होता है सपना देखना स्टार्ट करता है, जैसे जैसे बड़ा होता रहता है वो सपने धीरे धीरे वो लिमिट करता रहता है। पहले सपने देखता है कि मैं पायलट बनूंगा, कमर्शियल हवाई जहाज उड़ाऊंगा। फिर उसके बाद बड़ा होता है देखता है क्या कॉम्पिटिशन है, फिर मैं या किसी और फील्ड में जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं इंजीनियर बनूंगा, IIT करूंगा या मैं आर्म फोर्सेज में जाऊंगा, NDA करूंगा। धीरे धीरे आता है सिलेबस देखता है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का, मोटिवेशन डाउन आता रहता है। कॉम्पिटिशन ज़्यादा देखता है और मोटिवेशन डाउन आता रहता है। भरता तो है, चाह उसकी वही है दिमाग में, बट उसका एक विनिंग माइंडसेट नहीं है। उसका रीज़न ये है कि उसके दिमाग में एक फियर है कि क्या मैं एक्चुअली कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उसको खुद पे बिलीव ही नहीं है, ठीक है, उसको खुद पे भरोसा ही नहीं है कि वो जिंदगी में कुछ आगे कर सकता है या नहीं कर सकता। फिर वो मुझे कॉल करते हैं बच्चे ऐसे कि सर हमारे तो पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मेरे पेरेंट्स मुझे मोटिवेट नहीं करते। क्यों करेंगे भाई पेरेंट्स, जब तुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो कि खुद कर नहीं सकता है टास्क या नहीं। सामने वाला आदमी क्या भरोसा करेगा तेरे ऊपर, किस भरोसे से तेरे पे पैसे इन्वेस्ट करेगा, क्यों करेगा, और जब खुद सामने वाले आदमी को भरोसा नहीं है। सपोज करो, लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैं एक स्टार्टअप ओनर हूं, मैं कहूं मेरा आइडिया फ्लॉप होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं फंडिंग लेने जाऊंगा, सामने वाला आदमी मेरे जूते ही मारेगा भाई, मैं तुझे क्यों पैसे दूं, तुझे खुद को भरोसा नहीं है अपनी कंपनी के ऊपर। तो ऐसा एक विनिंग माइंडसेट चाहिए कि सारी दुनिया आपके खिलाफ हो, सारी दुनिया कहे ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, आपके दिमाग के अंदर हो यस मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। बोलना नहीं है, यहां होना चाहिए दिमाग के अंदर, वो आदमी खिलाड़ी बनता है।